हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अलीशा मैयाद लेके आई हूँ हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। गाइस, विंटर स्पेशल में हम एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों की विंटर्स में भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से बनी रहे, वो रोगों से दूर रहे, जो भी उनके रोग या बीमारियां उनके पास बिल्कुल भी ना आए, स्पेशली कोल्ड एंड कफ। तो उसमें एक चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है, वो है पतंजलि का ये च्यवनप्राश। नॉट ओनली पतंजलि, क्योंकि मैं पतंजलि का यूज करती हूँ तो मैं इसका रिव्यू करूंगी। पहले मैं डाबर का भी यूज करती थी, तो मैं दोनों का डिफरेंस भी आपसे शेयर करूंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है गाइज। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं च्यवनप्राश से रिलेटेड, न्यू मॉम्स होती है स्पेशली, उनको नहीं समझ में आता कि कितने साल के बच्चों को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किन लोगों को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कि च्यवनप्राश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर दे देते हैं सबसे फर्स्टली, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या जो बहुत अच्छे से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, वो है आंवला। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, जो हमारे बच्चों की सिस्टम को, इनर सिस्टम को बहुत अच्छे से वर्क करने में हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, इवन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से डील करवाते हैं, एंड इवन कोल्ड एंड कफ गाइज उसमें भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अगर इंटरनली हमारे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है तो हमें एक्सटर्नली ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि कितने बच्चों को ये देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 6 ईयर्स के अबव, बट गाइज ये भले इसमें लिखा है एज अ सेफ साइड उन्होंने लिखा है, बट मैं मेरे बच्चों को 1 ईयर प्लस से मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन प्लीज गाइज ये भी एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को पहले टेस्ट कीजिए कि उनको सूट हो रहा है कि नहीं। मैंने उनको जब स्टार्ट किया था मैंने टिप ऑफ द स्पून, मतलब 1/4 ऑफ द स्पून उनको दिया, एक हफ्ते या 10 दिन तक उनको दिया, मैंने देखा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रैशेस नहीं हो रहे, देन मैंने उसको कंटिन्यू किया और अभी तक वो खा रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट करके अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। और नेक्स्टली हम बात करते हैं कि कितने अमाउंट में देना चाहिए। तो गाइस जैसे मैंने कहा स्टार्टअप जब भी करते हैं टिप ऑफ द स्पून आप देना स्टार्ट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं आपके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, आप फिर हाफ स्पून दे सकते हैं, फिर 1 स्पून दे सकते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, और फिर दिन में 2 स्पून दे सकते हैं सुबह और शाम को, कभी कभी आप दूध में मिला के भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे एज इट इज उसको खाना बहुत अच्छा लगता है उनको, तो वो एज इट इज ही खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन लोगों को नहीं देना चाहिए। ओनली एक पर्सन है जिसको आप नहीं दे सकते हैं, वो है डायबिटिक पर्सन। तो आप बाकी सब कंज्यूम कर सकते हैं, किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है गाइस, तो डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस आप उनको मत दीजिए, बाकी सब कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके जैसे बेनिफिट्स के बारे में, बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया, लेकिन अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे ओनली एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट जो कि है कॉन्स्टिपेशन, जिसको है उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में इसको खाते हैं तो लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज ध्यान रखिए कि लूज मोशन हो सकते हैं एक्स्ट्रा खाने से, अमाउंट का ध्यान रखते हुए हमें हमारे बच्चों को और हमको खाना है, एज वाइज आप उनको दीजिए। तो दिस इज ओनली एक साइड इफेक्ट मेरे हिसाब से जो कि इसके अंदर है, बाकी मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके बच्चों को देने में। विंटर्स में बहुत अच्छे से आपके बच्चों की इनर बॉडी को अच्छे से ये बूस्ट, मतलब वर्क करने में हेल्प करता है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है उनको। साइड इफेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है गाइज, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके बेनिफिट से बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर 45-50 इंग्रेडिएंट्स हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, जो हमारे बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये मतलब डील करते हैं, वो अंदर ही अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इतने अच्छे से बनाए रखते हैं। तो गाइस डेफिनेटली आप अपने बच्चों को च्यवनप्राश दीजिए, बस टेस्ट करके जरूर देना कि उनको सूट हो रहा है कि नहीं, और कंटिन्यू कीजिए, बिंदास दीजिए, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस अमाउंट आप ध्यान में रखिए, और एक ही इसका साइड इफेक्ट है, अगर वो ज्यादा खा लेते तो लूज मोशन हो सकता है, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से सूट किया है इसने, बहुत इंटरनली उनको बहुत एक अच्छा सा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर है ये, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत अलग अलग चीजें नहीं खाते, आंवला तो बिल्कुल भी वो कंज्यूम नहीं करना चाहते बिकॉज खट्टा होता है,
लेकिन इस तरीके से आपके बच्चों को आंवला भी मिल जाएगा, नेचुरली विटामिन सी भी मिल सकती है और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैंने कहा 45-50 इंग्रेडिएंट्स है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, तो वो उनको आप देखेंगे, टच वुड, मैं ये नहीं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन सच में आप अगर देंगे ना तो उनको डॉक्टर के पास बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनको इंटरनली एक इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दे देते हैं ना, तो उनको मतलब ठंड से भले ही आप हम ऊपर से ओवर क्लोथिंग करके उनको कवर करके रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंटरनली भी उनकी बॉडी में वो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो इन सारी बीमारीज को डील कर सके, उनसे फाइट कर सके, तो दिस इज वेरी गुड क्योंकि ये बहुत अच्छे से डील करता है उसको और बहुत एक अच्छे से इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है, बहुत अच्छा बूस्टर है मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली ट्राई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो च्यवनप्राश खरीदना जरूर, खिलाना जरूर, विंटर्स में आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इवन आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स है, साइड इफेक्ट जैसे मैंने कहा बहुत एकाध दो है, तो वो अगर आप ध्यान में रख के खाएंगे तो वो भी नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है बिकॉज मैंने उनकी बॉडी को टेस्ट करते हुए दिया है ये, और विंटर्स में मेरे बच्चे को टच वुड कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, तो आप भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लोगों तक शेयर करिए, जो नहीं दे रहे या जिनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है च्यवनप्राश से रिलेटेड, तो उनके आंसर्स उनको इसमें मिल सकते हैं, तो अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।